कल बटेर के चिक्स हैच हुए थे, तो मेरे 250 एग लगे हुए थे, उनमें से ये टोटल 82 चिक्स हैच हुए थे। उनमें से एक चिक जो है वो कमज़ोर था, वो मर गया, और एक चिक अभी भी पीछे है इसमें, उसकी टांग टूटी हुई है, वो भी शायद मर जाएगा। टोटल 80 चिक्स जो है 250 एग में से मेरे पास ये रह जाएंगे। इस बार बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब निकले हैं एग मेरे, और उसके कारण क्या है अगर आपने वो सारे समझ नहीं आए तो इस वीडियो को फिर लास्ट तक पूरा देखना कि इंक्यूबेटर में फेलियर होने के बाद क्या क्या कारण जो है उसके हमने किस तरह से निकाले हैं, किस तरह से हमने रिसर्च की इसकी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं एच फेल है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर जो बचे हुए एग थे वो फर्टाइल और अनफर्टाइल एग जो है वो अलग कर दिए। ये जो है ये डेड एंड शेल है, जिनमें चिक बना और बाद में मर गया, और ये वाले जो एग हैं बास्केट में, ये वाले जो हैं अनफर्टाइल एग है जो शो हो रहे हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहला जो हमने रीज़न फाइंड किया है वो ये है कि जो अनफर्टाइल एग हैं, जो भी एग 20 दिन से ज़्यादा पुराना हो गया वो अनफर्टाइल शो कर देता है। 20 दिन का हो गया, 25 दिन का हो गया, उसमें चिक की जो ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं होगी। सबसे पहला कारण तो ये है, क्योंकि जो बटेर जो हैं, बटेर और मादा बटेर और नर बटेर का जो रेशियो रखना होता है 1:3 का, तो वो हमने प्रॉपर रखा हुआ है, तो इतने एग जो है अनफर्टाइल होने का मतलब नहीं है। एक कारण हो सकता है बीच में कोई एक आधा मेल ख़राब हो, पर फिर भी इतने एग जो है अनफर्टाइल नहीं निकल सकते। इसका सीधा सीधा एक ही कारण है कि ये एग जो है पुराने हो गए थे, इस कारण से जो है ये इतने एग जो है अनफर्टाइल शो हुए हैं। और ये वाले जो एग हैं, इनमें किसी में 2 दिन का चिक बन के मरा है, किसी में 10 दिन का चिक बन के मरा है। अब जैसे ये एग है, ये आप अगर ध्यान से देखें, ये पीपिंग करने के बाद मरा है चिक। अब ये वाला एग देख लो, इसने चिक ने सारा एग जो है अनजिप कर दिया था, बस ये निकल नहीं पाया। तो ये एग में चोंच लगा हुआ है यहाँ पे, कई एग जो हैं वो चोंच लगने के बाद डेड हुए हैं, और कई एग जो हैं प्रॉपर अनजिप होने के बाद ही डेड हुए हैं। तो इनका सबका एक ही कारण है, जो एग अनजिप होने के बाद डेड हुए हैं, जैसे ये चूजा है, ये प्रॉपर चूजा बना हुआ है लेकिन बाहर नहीं निकला ये। ये चूजा पूरा बन चुका था लेकिन बाहर नहीं निकल सका। बहुत से एग जो हैं वो खोल खोल के देखे हैं, कईयों में चूजा बना हुआ है लेकिन निकल नहीं पाया, कईयों में चोंच मार ली है, कईयों में चोंच नहीं मारी है। तो एग छील छील के देखने से ही पता लगता है कि किस कंडीशन पे चूजा मरा है। अगर हम सोचेंगे कि हमने बहम करना है, हाथ नहीं लगाना इसको, एग को खोल के नहीं देखना, तो हमें फिर आगे के लिए पता नहीं लगेगा कि फेलियर क्यों हुआ है। तो हमें तकरीबन हर एक एग का जो है पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल लगे कि आगे के लिए क्या करना है। एक एग में अभी चिक जिंदा है, अभी इसकी शायद ग्रोथ बाकी है, इसको हम वापस रख देंगे।
तो मैंने सारे एग्गों का पोस्टमार्टम कर दिया। अब हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे, क्या क्या कारण हो सकते हैं इनके। ये जो एग हैं, ये देख रहे हो, इनको अगर ध्यान से देखो, इनके अंदर चिक बना है। किसी में 13 दिन का चिक है, किसी में 14 दिन का चिक है, किसी में 16 दिन का चिक है। तो ये बाद में डेड हो गए हैं। चिक देखो पूरा बन चुका है ऑलमोस्ट, पर अभी एग के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इनको हमने पूरा नहीं खोला, पानी खिंच जाता सारी जगह, गंद पड़ जाता। तो ये वाले एग जो हैं, 3-4 दिन पहले इनमें चिक डेड हुआ है, निकलने से 3-4 दिन पहले। और ये वाले जो एग हैं, हमने घेरे हैं बिना खोले ही, इनको खोला नहीं है। ये एग के अंदर चिक 2रे या 3रे दिन मरा। जो 3रे 4थे दिन चिक मर गया, ये नॉर्मल बात है कि कुछ एग में जो है हल्का सा दाग आता है और वो चिक मर जाता है, आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाता है। तो इन एग को हमने खोल के ही नहीं देखा, क्योंकि इनके अंदर तो सारा पानी ही निकलेगा। और दोस्तों, ये वाले जो मेरे एग जितने भी मैंने छीले हैं, इनके अंदर चिक प्रॉपर बने हुए थे। इनमें से कुछ एग के तो पिप भी हुआ हुआ था, यानी कि एग को ब्रेक किया हुआ था चिक ने, और कुछ एग को ब्रेक करने की पोजीशन पे था चिक, तब मर गया। तो किसी से भी अगर हम बात करेंगे, वो यही कहेगा कि भैया आपके इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी नहीं ठीक थी, इसलिए जो चिक है एग को ब्रेक नहीं कर पाया। ये इतने सारे चिक तो बिल्कुल बन के मेरे डेड हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ इस बार मेरा। पर मैंने जो रिजल्ट निकाला है, मेरी सोचनी थोड़ी अलग है, क्योंकि चोंच जो है एग शेल तक नहीं पहुंची थी पिप की जिनकी, तो वो पिप कैसे करेगा। ह्यूमिडिटी लेवल तो तभी उसको प्रॉब्लम आएगी ना, जब उसने पिप कर दिया और वो निकल नहीं पाया, चोंच एग शेल तक पहुंच गई। तो चोंच थोड़ी थोड़ी पीछे थी इनकी, तो इसका मतलब है कि ये चोंच मारने से पहले डेड हुए हैं। जो कुछ एग में चिक हैं वो चोंच मार के डेड हुए हैं। तो उनका एक कारण मैंने जो फाइंड आउट किया है कि इस बार मैंने 250 एग लगाए थे, तो 250 एग के हिसाब से उनमें जो चिक निकले, मेरे जो इंक्यूबेटर के वेंट होल हैं वो कम पड़ गए। इसके अंदर मैंने सब में ये इस तरीके से दो दो इधर दो इधर, ये मेरे सारे इंक्यूबेटर्स में जैसे दो इधर है दो इधर है। अब ये मेरा नया इंक्यूबेटर बना है, इसमें दो इधर है दो इधर है। तो चारों साइड में इस तरीके से होल करता हूँ, और इनके एक एक दो दो होल जो है वो मैं नीचे करता हूँ। तो इस इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी लेवल को बढ़ाने के लिए वेंट होल मैक्सिमम बंद किए हुए थे, ये वाले बंद थे, अभी भी बंद है ये वाले। तो ये सारे बंद थे, इनको टेप लगाई हुई थी, ये खुले थे, ये खुले थे, ये खुले थे। और ऐसे ही इस साइड मैंने ओवर वेंट होल किए हुए हैं, जो ये सारे बंद थे, ये खुले थे किनारे वाले, ये खुले थे किनारे वाले। तो एक तो ऑक्सीजन लेवल की कमी जो है इंक्यूबेटर में हुई होगी, जिससे चिक ने पिप किया और वो निकल नहीं पाया। दूसरा कारण इनका ये है कि जिन्होंने मेरी वीडियो सारी ध्यान से देखी है, पिछली वीडियो जब मैंने एग लगाए थे इसमें, तो मैंने एग वाश नहीं किए थे। इस बार मैंने बोला था वीडियो के अंदर कि इस बार मैं बिना वाश किए हुए एग लगा रहा हूँ, उनको सैनिटाइज नहीं किया था एग को। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ना ही एग को वाश किया, इस बार बिना वाश किए एग लगा दिए मैंने। मेरे विचार में था कि अगर मैं इतने एग को वाश करूँगा
और उनको बाद में फिर इंक्यूबेटर के अंदर रखूँगा। उनको एग को अपने टेम्परेचर लेने में, गर्मी पे आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इतने एग का पानी सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस बार मैंने फिर उनको वाश नहीं किया था। तो ये सारी गलतियाँ थी मेरी जो मैंने ट्रेस की हैं, और आगे से उन गलतियों को हम रिपीट नहीं करेंगे जो भी गलतियाँ हैं। इससे पहले मेरा ब्रूडर सेटअप में जो बिल्ली ने अटैक किया था, अब मुझे बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा है, भैया ब्रूडर में जाली लगाओ, ब्रूडर में जाली लगाओ। भैया इस ब्रूडर को मुझे कम से कम दिन में 40 बारी ऐसे पर्दा खोल के देखना पड़ता है, और इसके अंदर अगर मैं जाली अभी लगा देता हूँ तो बार बार वो जाली मेरा हाथ काटेगी। प्रॉपर अभी जाली लगाने के लिए, जो ब्रूडर नया बनाने के लिए खर्चा नहीं है, वो बाद में देखेंगे। जब तक ये जाली नहीं लगती तब तक मैं अपना जो मेन डोर है अपना इस कमरे का, तो उसका मैं ख्याल रखता हूँ कि अंदर बाहर जाते टाइम इसको लॉक करता हूँ बाहर से बार बार। एक ये दरवाज़ा उस टाइम धीरे धीरे बंद होता था, अब इसको मैंने फास्ट कर दिया। और जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो इसकी ये ऊपर अभी टेम्परेरी मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये दरवाज़ा जो है ये लॉक हो गया। इतने सारे अंडे छीलने के बाद इनमें दो अंडों में चिक जो है ज़िंदा था, उनको मैंने वापस मशीन में रख दिया। देखते हैं अगर इन्होंने बचना होगा तो बच जाएंगे। तो ये थी मेरी इंक्यूबेटर के रिजल्ट फेलियर की वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से मैंने 250 अंडे लगाए थे, और उन 250 अंडों में से टोटल मेरे पास 80 चिक्स अवेलेबल हुए हैं। बाकी सारे अंडे मेरे बेकार हो गए हैं, चाहे वो चिक एक दिन का बन के मर गया, चाहे वो लास्ट स्टेज पे चिक मर गया, चाहे वो हाफ स्टेज पे चिक मर गया। तो इन सब की वीडियो एक मैंने बना के डाल दिया, ताकि आने वाले जो कोई भी मेरे वीडियो सीखने के पर्पस से देखता है तो उसको नॉलेज हासिल हो सके कुछ। इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मैं अभी मेरे अंडे हैच के लिए दूसरे लगाए थे, मुर्गी के अपने अंडे लगाए थे, तो उसकी वीडियो मैं अलग से पोस्ट करूँगा। वो भी वीडियो बन गई है, उसको भी अभी पोस्ट करना है।